नंबर का क्वेश्चन था भाई कल जो दिया था आप लोगों को। देखे ध्यान से, क्वेश्चन दिया है देखो, मैंने आपसे कहा था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में ज्यादा तरह की एरर नहीं आती, या तो सेंस और फॉर की आती है जिसपे पहले हम शीट लगा चुके हैं, और या फिर इस तरह की आती है। अभी ध्यान से देखो, हाउ लॉन्ग वर यू लर्निंग इंग्लिश फॉर। देखो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया होगा वो आपको लगेगा नहीं, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग वर यू लर्निंग इंग्लिश फॉर, कितने टाइम तक तुम इंग्लिश पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे टाइम भी है, कितनी देर तक, फॉर भी लगा है, तो इसको आप वर के साथ नहीं बना सकते। आपको बनाना पड़ेगा हाउ लॉन्ग हैड यू बीन या हैव यू बीन, क्योंकि बात पास्ट की कर रहे, तो एरर कहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे वर के साथ नहीं बना सकते क्योंकि फॉर भी है और टाइम भी लगा है, लेकिन इसको उठा के इधर रख दिया गया सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के, इसलिए यहाँ पे ये वर यू लर्निंग इंग्लिश फॉर नहीं आ सकता। आपको लगाना पड़ेगा हाउ लॉन्ग Had you been learning English first? वर्ब की तो ing फॉर्म आएगी, प्रेजेंट पर सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो ऐसे में ये वर्ब के साथ फॉर नहीं आ सकता, टाइम के साथ। तो ऐसे में एरर किस पार्ट में है, वर यू गलत है या हैड यू बीन होना चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को, इसे लगा लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। फिर अगला देखें, आई एम ट्राइंग टू फिनिश द एक्सरसाइज फॉर द लास्ट वन आवर्स। फिर से ध्यान से देखो, फॉर के साथ टाइम फ्रेज है, ऐसी सिचुएशन में ये आई एम ट्राइंग नहीं हो सकता, इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए, इसे आई हैव बीन ट्राइंग होना चाहिए, तो इस वाले पार्ट में एरर है, इसे लगा लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखें, जेक हु इज लिविंग इन दिस बिल्डिंग फॉर 2 years इज अ वेल नोन आर्टिस्ट। देखो ध्यान से कह रहा है कि लिविंग बिल्डिंग फॉर 2 years, 2 साल से रह रहा है, तो ये इज नहीं आ सकता क्योंकि फॉर के साथ अगर टाइम फ्रेज लगाए तो वो परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही हो, तो इसलिए यहाँ पे हु इज लिविंग की जगह हु हैज बीन लिविंग होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को, हु इज लिविंग की जगह हु हैज बीन लिविंग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फॉर के साथ टाइम फ्रेज लगा, फॉर के साथ सिंस के साथ टाइम फ्रेज लगा रहेगा, तो आप कभी इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना सकते। समझ रहे हैं बात को, तो इस पार्ट में एरर है, इसे लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। By April next year, I will have been working in this office for 20 years. वो कह रहा है अप्रैल तक, अगले साल अप्रैल तक, I will have been working in this office for 20 years. मैं 20 साल से इस ऑफिस में काम कर रहा हूँ। कोई भी एरर नहीं है सेंटेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, कोई एरर है ही नहीं, नो एरर लगाते हैं। The pond is flooded because it is raining continuously for the last 3 days. जरा ध्यान से देखो, for the last 3 days, for के साथ time phrase आ गया, तो ये is के साथ नहीं बन सकता, ये perfect continuous में ही बनेगा, तो it has been raining होना चाहिए, मतलब इस part में error। समझ रहे ना बात को, The mission provides able services to all the needy people in this area during लास्ट फ्यू ईयर्स। अब देखो कई बार तो सेंस और फॉर जो है वो कॉमन प्रैक्टिस है, यूज किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने ड्यूरिंग लगा दिया, अभी भी बात टाइम की ही कर रहा है, और टाइम वाली बात हम लोग इनडेफिनेट सेंटेंस में नहीं करते, इनडेफिनेट टेंस में नहीं करते, टाइम वाली बात आपको, टाइम वाली बात आपको परफेक्ट में ही करनी पड़ेगी। तो द मिशन प्रोवाइड्स की जगह क्या होना चाहिए, मिशन हैज बीन प्रोवाइड।
जब भी टाइम की बात आ जाएगी तो उसे इंडेफिनेट में नहीं लिखा जा सकता, तो इसीलिए ये इसकी वजह से। तो ये क्या है, कभी कभी हमारे जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो तो थोड़े लीक से हटके आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो इस बारीकी को आपको समझना पड़ेगा अगर उस क्वेश्चन को समझना। तो मिशन हैज बीन प्रोवाइडिंग होना चाहिए, इस पार्ट में एरर है। आई रिसीव्ड टाइमली हेल्प फ्रॉम द डॉक्टर हु वॉज वर्किंग देयर फॉर 2 ईयर्स। जरा ध्यान से देखो, फॉर 2 ईयर्स सिंस अप्रैल, इस तरह से कुछ भी आ जाए तो ये कंटिन्यूअस में नहीं हो सकता, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो सकता। तो हु वॉज वर्किंग की जगह यहाँ हु हैड बीन वर्किंग होना चाहिए था, मतलब इस पार्ट में टाइम को तो हम कंटिन्यूअस में नहीं लगाते। 4 ईयर्स, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर इस तरह बनाएगा कि आपको दिखेगा नहीं कि ये ऐसा है। 4 ईयर्स कहाँ लगा दिया, बाद में लगाना था पहले लगा दिया। 4 ईयर्स आई डिड माई वॉशिंग बाय हैंड, वो कह रहा है सालों तक मैंने अपने कपड़े हाथों से धोए। आई डिड माई वॉशिंग बाय हैंड, देन लास्ट ईयर आई बॉट अ वॉशिंग मशीन, फिर पिछले साल मैंने वॉशिंग मशीन खरीदी। तो ये 4 ईयर्स अभी भी देखो टाइम लगा हुआ है, और पास्ट पर इंडेफिनेट में बना रहे, गलत है। 4 ईयर्स आई हैड बीन वॉशिंग बाय हैंड होना चाहिए, या आई हैड वॉश्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, इस वाले पार्ट में है, क्योंकि वो टाइम फ्रेज ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको सिंपल सेंटेंस दे देगा, आपको पहचान में भी नहीं आएगा ऐसा सेंटेंस दे, जैसे ये वाला सेंटेंस है, जैसे पिछला वाला सेंटेंस था। ही हैड बीन वर्किंग फॉर ऑल डे, मैंने आपको बताया था ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल वंस लाइफ, इनके पहले फॉर का यूज नहीं किया जाता है। ऐसे में यहाँ पे फॉर गलत है, फॉर नहीं होना चाहिए। वे कल बात हुई थी इस बारे में, इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट ही वॉज डेड फॉर 2 ईयर्स। फिर से देखो ध्यान से, फॉर 2 ईयर्स गलत है, क्या होना चाहिए, ही हैड बीन डेड, ठीक है ना, ही हैड बीन डेड। हालांकि ये परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म ढूंढ रहे होंगे, परफेक्ट है ठीक है ना। तो ही हैड बीन डेड होना चाहिए, ही वाज डेड गलत है, इसमें एरर है, इसे हटा, क्योंकि फॉर 2 ईयर्स बता, गलत। सर, हाँ हाँ सर इससे हाँ पहले सर एक सेंटेंस में शुरू में एज भी लगा हुआ था, लास्ट में लास्ट 2 ईयर लगा हुआ था। तो ढूंढ लेते हैं, देखो ये वाला था, ये वाला था, ये वाला था, नहीं सर ये नहीं था, इससे आगे ये वाला, ये वाला था यही है ना। तो जी देखो ध्यान सर, से कह रहे हैं, द पॉन्ड इज इसमें फ्लडेड है, यही है आकाश, इस तरह यही। इसमें एज भी लगा हुआ है जी देखो सर, ये गलत क्यों नहीं अलग हुआ, पहले वाला एज वाला। ध्यान से देखो, इसमें दो सेंटेंस है, एक तो ये द पॉन्ड इज फ्लडेड, और एक ये इट इज रेनिंग कंटिन्यूअसली फॉर द ये फॉर द लास्ट 3 डेज। तो जब दो सेंटेंस है तो हम तो वो देखेंगे ना जिसमें एरर है, इसमें तो एरर है ही नहीं, कोई पॉन्ड फ्लडेड है तो इसमें क्या दिक्कत है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन इट इज रेनिंग कंटिन्यूअसली फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, ये कौन से वाले सेंटेंस का हिस्सा है, ये इस वाले सेंटेंस का हिस्सा है, तो इस वाले सेंटेंस में देखेंगे ना हम, इसमें थोड़ी ना देखेंगे। आकाश जी सर, आ गया बात समझ में, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है ना, इसके साथ भाई आपने एक्टिव हंड्रेड पैसिव में वाली वीडियो देखी थी, आपने वो फ्लडेड क्लास में देखी क्या, जी एक्टिव सर, पैसिव वर्ब वाली ठीक है देखी, बात जी इज आर सर, एम ठीक के है साथ सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड सर फॉर्म आ गया पैसिव होती है। जी सर, आ गया सर, समझ में आ गई। ठीक, कोई बात नहीं, इसके बाद एक्टिव पैसे भी पढ़ाएंगे, क्योंकि एक्टिव पैसे वर्ब का वो हिस्सा है जो आमतौर पे दुखी करता है।
सही है भाई, ये इतने ही सेंटेंस है असल में। ये वो हिस्सा है जहां से कुछ पूछा नहीं जाता है आमतौर, बहुत ही ना के बराबर पूछा जाता है, इसलिए ऐसा है। तो इसलिए इसमें आपके पास सेंटेंस भी कम है। जैसे इसके बाद हम लोग आज से मॉडल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? मॉडल्स, हाँ, 13वीं शीट ये पहली होनी चाहिए, ठीक है ना? शीट नंबर 13, मॉडल्स। देखो भाई, जब हमने शुरू में वर्ब स्टार्ट किया था तो हमने वर्ब का क्लासिफिकेशन किया था। जरा दोबारा से देखें, वर्ब को हमने आमतौर पे दो हिस्सों में बांटा था, एक हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब। मेन वर्ब को भी हमने दो हिस्से, हेल्पिंग वर्ब को भी दो हिस्से में बांटा था, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। और मॉडल हेल्पिंग में वर्ब में कौन कौन सी वर्ब आती है इस पे बात करेंगे, क्योंकि प्राइमरी ऑक्सिलरी पे बात कर चुके हैं, मेन वर्ब पे बात कर चुके हैं, एक्टिव वर्ब पे बात कर चुके हैं, पैसिव वर्ब पे बात कर चुके हैं, ठीक है ना? तो मॉडल वर्ब की बात करेंगे। मॉडल वर्ब में कौन कौन सी वर्ब आती हैं, जैसे विल है, शैल है, वुड है, शुड है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, आउट टू है, ठीक है ना, नीड है, डेयर है और मस्ट है। हालांकि ये सब मैंने आपको लिखा दी थी कि सबसे पहली शीट हमने वर्ब की स्टार्ट की थी, उसमें इसका पूरा क्लासिफिकेशन ये दिया हुआ है तरीके से। आप लोग वो शीट डाउनलोड कर लेना या वो वीडियो देख लेना, आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये बेसिक बातें हम कर चुके हैं। अब हम इन सारी मॉडल्स को एक एक करके जानना शुरू करते हैं, कौन सी कहाँ लगती है, कहाँ यूज आती है। और इन सारी मॉडल में जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके पढ़ने के हिसाब से, जरा ध्यान देना, नोट करना, जो तो बहुत इम्पोर्टेंट मॉडल्स हैं जिनको आपको पढ़ना ही है और तरीके से पढ़ना है, वुड, शुड, नीड, डेयर्स, ये वो मॉडल है जहां से क्वेश्चन आता है, बाकी सबसे कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है ना? कोड भी मान लो आप थोड़ी बहुत यहाँ से आता है, हालांकि कैन से भी एक आध बार क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि बाकियों से नहीं आता, लेकिन आमतौर पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है। तो आपको इन्हें ध्यान से समझना है। कुछ तो ऐसी वर्ब है जिनका कोई एक आध ही यूज है, हाँ, आउट टू भी लिखा था मैंने। आउट टू इम्पोर्टेंट नहीं है, आउट टू बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं, आउट टू से कभी कोई क्वेश्चन नहीं है, पढ़ाऊंगा मैं, नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाऊंगा मैं। अनुभव, फिक्र नहीं करें, मेरे से पढ़ते हुए आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि आपका कुछ छूटा है, इस बात से आप बेफिक्र रहना। हाँ, लेकिन चेक करते रहना कहीं भैया झूठ तो नहीं बोल रहे, ठीक है ना? चेक करते रहना, ना मैथ्स में ना इंग्लिश में। टाइम हो सकता है कि कहे हुए से 15 दिन ज्यादा लग जाए, महीना भर ज्यादा लग जाए, लेकिन छूटेगा कुछ नहीं, इस बात की गारंटी, ठीक है? विल को देखें भाई, विल का यूज आप जानते ही हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ इसका इस्तेमाल फ्यूचर में होता है, ठीक है ना? याद रखें, इन मॉडल्स का कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंग कुछ भी नहीं होता, समझ रहे ना? मीनिंग तो कोई भी नहीं होता है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब का कोई मीनिंग नहीं होता, इसका हिंदी में मीनिंग नहीं निकाला जा सकता। लेकिन आप ध्यान से देखें, ये इस्तेमाल कहाँ होता है, फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग इनका यूज करते हैं। किसके साथ कौन सा करते हैं, ये हम फ्यूचर में पढ़ चुके हैं। यू के साथ, ही शी इट के साथ विल का यूज होता है, आई और वी के साथ शैल का यूज होता है। हालांकि आई के साथ भी विल का यूज जो है वो गलत नहीं माना जाता है। तो
ये तो बात हम लोग पढ़ ही चुके हैं, कोई नई बात इसमें नहीं। जैसे नोट करके यही बात लिखी है, विल का यूज हम आई और वी के साथ डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस या थ्रेटनिंग, धमकी के सेंस में कर सकते, दृढ़ निश्चय के सेंस। जैसे आई विल किल हिम, तुम बड़े गुस्से से भर के कहते हो आई विल किल हिम, मैं उसे जान से मार दूंगा, तो इसका मतलब क्या है, आपने डिटर्मिनेशन दिखाया। डोंट वरी आई विल बी विद यू, यहाँ पे आप सामने वाले से वादा कर रहे हो, प्रॉमिस करते हो, वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं ना रहूं, मेरे बिना तू ना रहे, है कि नहीं। तो वो वाली जो बात है उसमें आप आई और वी के साथ भी विल का यूज कर सकते हैं, तो ये कहीं पे भी गलत नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये दोनों है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि विल का यूज हम लोग रिक्वेस्ट के लिए करते हैं और टू इनवाइट समवन, दो चीजों के लिए करते हैं। रिक्वेस्ट का मतलब किसी से प्रार्थना करना किसी काम के लिए, रिक्वेस्ट जानते ही हैं। इनवाइट का मतलब किसी को न्योता देना किसी काम के लिए, इनवाइट तो समझते हैं ना, किसी को बुलाना अपने साथ आने के लिए। तो इन दोनों के लिए विल का यूज किया जाता है। हालांकि जब आप प्रार्थना में जाओगे तो आप मे भी पढ़ोगे, ठीक है ना, सॉरी हाँ मे भी पढ़ोगे, बाकी सारी जगह पे भी अलग अलग पढ़ेंगे। मॉडल्स के कई यूज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन अभी आप समझें कि विल का यूज रिक्वेस्ट के लिए और इनवाइट के लिए किया जाता है। जैसे विल यू कम विद मी, ये क्या है, एक इनविटेशन है। विल यू कम विद मी क्या है, एक इनविटेशन है, सामने वाला इनविटेशन दे रहा है। अब आपको ये क्वेश्चन लगता होगा, हालांकि क्वेश्चन की फॉर्म में ही है, इसमें जो स्ट्रक्चर है इसमें क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, विल यू कम विद मी, लेकिन ये असल में एक इनविटेशन है। ये सामने वाला को बुला रहा है कि चलो चलते हैं, मेरे साथ चलोगे, इस तरह से, समझ रहे ना बात को। तो ये असल में क्या है, एक रिक्वेस्ट है। कभी आपसे कोई इस तरह से पूछे, कभी मान लो आप कहीं पे बाहर गए हुए हैं, दिल्ली विल्ली जहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हो, कोई आपसे पूछे विल यू कम अलोंग, तो वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि आपका प्रोग्राम क्या है, क्या तुम साथ आओगे, वो आपसे इनवाइट कर रहा है आपको कि मेरे साथ चलो, चलो चलते हैं, इस सेंस में, समझ रहे ना। तो ये असल में इसका मीनिंग जो है वो आपको समझना है कि क्या निकलता है, वो सेंटेंस नहीं बताएगा, आपको समझना पड़ेगा कि विल इनविटेशन भी बताता है, विल रिक्वेस्ट भी बताता है, विल यू टर्न ऑफ द लाइट, अगर कोई तुमसे कह रहा है विल यू टर्न ऑफ द लाइट, वो तुमसे ये नहीं कह रहा है कि तुम ही लाइट बंद करोगे, वो ये कह रहा है कि अगर कर सको तो कर दो, मेरी प्रार्थना है कि कर दो। इसमें प्लीज का मीनिंग जो है वो छुपा रहता है, कौन सा मीनिंग, प्लीज का, तभी रिक्वेस्ट होगी, रिक्वेस्ट में तो प्लीज जुड़ा ही रहता है कि नहीं। और दूसरा इसका यूज है फर्स्ट कंडीशनल में, क्योंकि कंडीशनल अभी हमने पढ़ा नहीं, लेकिन उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं, पूरी बात नहीं करेंगे, इसमें बड़ी गहराई है कंडीशनल में, छोटी सी बात करेंगे। देखो भाई, जो फर्स्ट कंडीशनल होता है इसका एक स्ट्रक्चर होता है, जो इफ वाला सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनता है, और जो दूसरा सेंटेंस होता है इसके अलावा वो वाला हम लोग आमतौर पे विल के साथ बनाते हैं। पूरी बात नहीं बता रहा हूँ अभी, सिर्फ इतनी बात नहीं, कंडीशनल में और बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि विल के यूज की बात कर रहे हैं, तो विल का यूज यहाँ, जैसे यहाँ देखो, इफ आई कम देयर, अगर मैं वहां आऊंगा या आता हूँ, आई विल मीट यू, मैं तुम्हें मिलूंगा, तो ये वाला तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में विल के साथ, समझ रहे ना बात को। हालांकि जो इम्पोर्टेंट बात है वो इस यूज टू को आप याद रखना कि विल का यूज रिक्वेस्ट के लिए और इनविटेशन दोनों के लिए होता है, यहां से आपको मॉडल में, क्योंकि ये वाली बात इम्पोर्टेंट तो है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्योंकि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसे हमने अलग टॉपिक में रख दी, तो वहां पे जाके इस पे बारीकी से बात करें, ठीक। विल बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है वुड, देखो कितने सारे यूजेस हैं, तो एक एक करके शुरू करते हैं, वुड कहाँ कहाँ यूज होता है। पहले तो वुड विल के पास्ट इक्विलेंट के रूप में यूज होता है, अगर विल को पास्ट में लिखना हो तो वुड लिखना पड़ता है, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है, अगर मैं ऐसे कहूं,
एक सेंटेंस लिख लेते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, ठीक है, उसने मुझसे कहा मैं वहां जाऊंगा। तो जरा ध्यान से देखें, अगर आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप ये लिखेंगे आई टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट। अब देखो भाई, क्योंकि ये वाली वर्ब पास्ट है तो इसका असर इस वर्ब पे होगा और ये भी पास्ट बनेगी। नरेशन थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने पढ़ा हो, हालांकि एक्टिव पैसिव के बाद उसे पढ़ेंगे। तो ही टोल्ड मी दैट, तो अब इस पैसिव, इस पास्ट वर्ब की वजह से इसे पास्ट में बदलना है। तो विल को अगर आप पास्ट में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो विल के पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में वुड काम करता है। जब आप विल को पास्ट में बदलते हैं तो वो क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। ये वुड का एक यूज है, हालांकि ज्यादातर लोग सिर्फ यही जानते हैं कि विल का पास्ट वुड होता है, बिल्कुल भी नहीं। जहां वुड यूज हो जाता है वहां विल नहीं लगा सकते, हर जगह पे विल का वुड नहीं हो सकता, सिर्फ इसी एक सेंस में विल का वुड हो जाता है। जब आपको विल को पास्ट में लिखना हो तो आप उसे वुड लिखते हैं। ये सिर्फ इसका एक यूज है, इसकी कई कहानियों में से एक कहानी है। दूसरा देखो, इसके अलावा वर्ड का यूज कहाँ होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर के सेंस। जरा ध्यान से देखो, जब हम पढ़ रहे थे विल तो यहाँ पर भी क्या आया था, रिक्वेस्ट और इनवाइट। रिक्वेस्ट यहाँ भी है, रिक्वेस्ट वहां भी, हालांकि वर्ड थोड़ी ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट पता। विल का यूज हम करते हैं जब हम बराबर वालों से कोई बात कह रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे थे बराबर वालों, और वर्ड का यूज आप तब करते हैं जब हम उससे अच्छी वाली कोई बात कर रहे हैं, मतलब अपने से बड़ों से कोई बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एक मिनट होल्ड करो, हेलो हेलो, पढ़ा रहा हूँ, ठीक, सही है ना। तो ध्यान से समझो, यहां भी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट यहां भी, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट है बराबर वालों में और यहाँ रिक्वेस्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट। जब आप अपने से बड़े बड़ों से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तब हम इसका यूज करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड आता है। अपने से बराबर वालों में भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, अगर आप उन्हें ज्यादा इज्जत देना चाहते हैं, ठीक है। और आमतौर पर ये क्वेश्चन में यूज होता है। एक और बात वहां पे नोट कर लेना चाहे, आमतौर पर ये क्वेश्चन में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, ध्यान देना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखा ही हुआ है, नोट क्या करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आमतौर पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। ऑफर के लिए भी, जैसे वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, ये आपने ऑफर किया कि मैं आपको चाय पिला सकता हूँ, आप पिए तो। और यहाँ पे देखो, वुड यू प्लीज गिव मी योर सेल फोन, तो यहाँ पे क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है क्या मुझे कृपया अपना फोन देंगे, समझ रहे ना बात को, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और ऑफर के लिए आप लोग वुड का यूज करते हैं। वुड का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज ये थर्ड वाला है, वुड का यूज सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से ना अभी बहुत ज्यादा सेंटेंस पूछे नहीं गए, कम सेंटेंस पूछे गए। वो कह रहे हैं पास्ट हैबिट शो करने के लिए वुड का इस्तेमाल किया जाता है। जरा ध्यान से देखें कैसे, पास्ट हैबिट का क्या मतलब हुआ, जैसे ध्यान से समझो, आप कहते हो I run every day in the morning. मैं रोज सुबह दौड़ता हूँ, रोज सुबह दौड़ता हूँ, तो ये आपकी क्या है, habit है, habitual action है, आप daily ये काम करते हैं। अगर आप इस बात को past में लिखते, आप बताते पहले दौड़ता था, तो past habit बताने के लिए आप past indefinite लगाते, I ran every day in the morning, मैं रोज सुबह morning में दौड़ता। लेकिन इसी बात को आप वुड के साथ लिख सकते हैं, जैसे आई वुड रन एवरी डे इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे वुड जो है पास्ट हैबिट दिखाता है और ये बिल्कुल इसी का मीनिंग देता है। कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में आपको फिल करने को आ जाता है और आपको वो ऑप्शन नहीं देता है जो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे पास्ट हैबिट के लिए आपने देखा होगा यूज्ड टू आता है, यूज्ड टू सब लोगों ने पढ़ा होगा, वरना इसमें पढ़ेंगे मॉडल का ही हिस्सा है। तो अगर यूज्ड टू भी ना दिया हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी ना दी हो, तो आप पास्ट हैबिट कैसे लिखोगे, आपको वुड के साथ पास्ट हैबिट लिखनी पड़ेगी।
वुड का ये यूज कम होता है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो कम आता है वो पढ़ाया भी कम जाता है, और जब पेपर में आता है तो वो क्रूशियल क्वेश्चन बनाता है। क्रूशियल समझते हैं ना, क्रूशियल का मतलब मुश्किल नहीं होता, क्रूशियल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट बनाता है आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि ऐसे सवाल ही होते हैं जो बाकी लोगों को आपसे पीछे करते हैं। और देखें इसके अलावा वुड, वुड के तो इतने ही हैं, तीन ही यूज हैं, लेकिन वुड बी, वुड दैट, वुड लाइक, वुड के और भी स्ट्रक्चर है, वुड के और भी कंस्ट्रक्शन है, ये वुड से बनते हैं और जो आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये यहाँ पे मॉडल में नहीं पढ़ाए जाते हैं, अलग अलग जगह पढ़ाए जाते हैं, लेकिन सुविधा के लिहाज से मैंने इन सबको एक जगह इकट्ठा किया है ताकि आप सबको समझ सको कहना क्या चाहता है। वुड बी का यूज हम गेस लगाने में, अनुमान लगाने में करते हैं, ध्यान से समझना मत, अगर अनुमान लगाना, ठीक है ना, जैसे मैं कहूं कि कल गर्मी होगी तो आप कहेंगे कि टुमारो वुड बी हॉट, कल क्या होगा, गर्मी होगी, ये आपका अनुमान है, ऐसा नहीं कि आप ऊपर वाले से मिलके आ गए हो कि होगा ऐसा, लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसा होगा। जैसे द वेदर वुड बी बेटर सून, मौसम जल्दी ठीक हो जाएगा, ये सिर्फ आपका एक गैस है, आपका अनुमान। ही वुड बी एन इंजीनियर, वो इंजीनियर होगा, जैसे मान लो कोई आदमी अपने सर पे वो हेलमेट लगा के इंजीनियर वाला हथौड़ा लिए जा रहा है, ठीक है ना, और वो हथौड़ा लिए जा रहा है, तो आपने अनुमान लगाया कि ये आदमी क्या होगा, ही वुड बी एन इंजीनियर, वो इंजीनियर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं हो ही, हो सकता है अपने भाई को देने जाता हो, उसका भाई इंजीनियर हो, तो ये एक अनुमान है। जैसे मान लो कि कई बार क्या होता है कि दो लोग साथ में जा रहे होते हैं, एक लड़का लड़की साथ में जा रहे हैं, आप अनुमान लगाते हैं ही वुड बी, शी वुड बी हर हिज गर्लफ्रेंड, या शी वुड बी हर सिस्टर हिज सिस्टर, समझ रहे हैं, तो उसकी बहन हो सकती है, उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, उसकी बीवी हो सकती है, उसकी मम्मी हो सकती है, तो इस तरह से आप अनुमान लगाते हैं, ऐसा आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन है, तो अनुमान लगाने के लिए वुड भी यूज होता है, ध्यान देना वुड भी, अकेला वुड नहीं, वुड। जैसे पांचवा देखो, वी यूज वुड बी टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु वांट्स टू बी समथिंग, यहाँ पे वुड बी जो है वो एक नाउन की तरह यूज होता है, नाउन के साथ एडजेक्टिव की तरह, ठीक है ना। अब देखो अगर आप इस बात को नहीं जानते हो तो जरा ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़ के देखो, इससे आप कोई अनुमान लगाते हो क्या, जब वो कह रहा है अब वुड बी पॉलिटिशियन वॉज एनरेजिंग द क्राउड, अब इससे आपको कोई अनुमान नहीं लगेगा कि ये वुड बी क्या, वुड बी असल में हम उस सेंस में यूज करते हैं कि कोई आदमी जो बनना चाहता है, बनने की प्रोसेस में अभी बना नहीं। जैसे मैं कहूँ आ वुड बी सिंगर, जैसे मैं कहूँ आ वुड बी सिंगर, इसका मतलब है कि वो सिंगर बनने के लिए कोशिश कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, अभी बना नहीं है। आ वुड बी पॉलिटिशियन, राजनीति में आना चाहता है, अभी आया नहीं। आ वुड बी एक्टर, आ वुड बी प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री बनने की प्रोसेस में, अभी बना नहीं। तो इसको वुड बी के साथ हम लोग लिखते हैं, प्रोस्पेक्ट है, संभावना है इसके बन जाने की, उस फील्ड में वो काम कर रहा है लेकिन अभी पहुंचा नहीं, तो उस सेंस में भी वुड बी का यूज होता है। एक और देखें वुड दैट, वुड दैट का मतलब होता है हिंदी में काश, ठीक है ना, वुड दैट आई वर अ किंग, कह रहा है काश मैं राजा होता, समझ रहे हैं ना, वुड दैट का मतलब क्या निकलता है, काश, ये भी आपको पता होना चाहिए, वुड दैट मतलब काश। सर शीट हिंदी में भी लिख दिया अगर, देखो कोशिश करो इंग्लिश में पढ़ने की, हिंदी में तो मैं आपको वीडियो में बता ही रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, ज्यादा हो तो आप कॉपी पेन लेके बैठा करो, भी साथ के साथ लिख लिया करो, अगर आप इंग्लिश को बहुत ज्यादा हिंदी में पढ़ोगे तो आकाश आपको आगे जाके पेपरों में बड़ी समस्या हो, हर चीज को हिंदी में पढ़ने की आप आदत खत्म करें। देखो कितना आसान लिखा है, वी यूज वुड बी टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु वांट्स टू बी समथिंग, जो कुछ बनना चाहता है, ठीक है ना, और जहां पे आपको लगे कि आप भूल जाओगे वहीं पे साथ के साथ लिख लिया करो कि इसका मतलब ये है, कॉपी पेन लेके बैठा करो, बेशक वो कॉपी आप दोबारा मत उठाना, लेकिन अगर वो कॉपी एक बार आपके पास आप सिर्फ लिखते भी हो तो वो आपके दिमाग में स्टोर होता है। कोशिश करो कि इसको, हर चीज को हिंदी में पढ़ना जो है वो बंद करो, उससे आपको दिक्कत होगी आगे, अगर आप वर्ड के मीनिंग भी ढूंढते तो पहले इंग्लिश में देखा करो फिर हिंदी में देखा करो, अगर ना समझ में आए उससे गुस्सा तो आएगा, एक बार मेहनत तो लगेगी लेकिन करनी तो पड़ेगी।
मेहनत का कोई तोड़ नहीं। अगला देखें, कौन सर सर यहाँ पर बांस का क्या मतलब है? सा? वांट्स का, पर्सन हु वांट्स टू बी समथिंग। पर्सन जी हो, सर। वांट हो गई। अच्छा समझ लो, जैसे मैं कहूं आई वांट टू बी अ डॉक्टर, इसका क्या मतलब है? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, यही मतलब है ना आई वांट टू बी अ डॉक्टर। तो जब यहां पे वांट है, इसका भी यही मतलब है, हु वांट्स टू बी समथिंग, जो कुछ बनना चाहता है। अब वो कुछ में कुछ भी हो सकता है, वो पॉलिटिशियन बनना चाहता हो सकता है, वो डॉक्टर बनना हो चाहता हो सकता है, वो इंजीनियर बनना हो सकता होना चाहता हो। सुष्मिता, वर्ड का एक पॉइंट, एक कौन सा पॉइंट? पहला वाला, दूसरा वाला, कौन सा वाला पॉइंट? पॉइंट वन की बात कर रहे हैं आप? सुष्मिता दोबारा बताना, यूज वन की बात कर रहे हैं आप? वो बताना है दोबारा से, ठीक है ना? अगला देखे सेवन, वी यूज वुड लाइक टू टू शो अ विश। देखो वुड लाइक टू यूज किया जाता है, ध्यान रखना अगर कहीं पे खाली जगह दी हो और बाद में लाइक टू लिखा हो तो आप समझ लेना कि यहाँ पे वुड ही आएगा। वुड लाइक टू का मतलब होता है विश, इच्छा, हमारी इच्छा। वुड लाइक टू हमारी इच्छा बताता है, जैसे आई वुड लाइक टू बी देयर, इसका मतलब है मेरी इच्छा है कि मैं वहां होता, ठीक है ना? मैं चाहता हूं या मैं वहां होना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं वहां होता। सुष्मिता आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया, कौन सा वाला पॉइंट एक्सप्लेन करने को कह रहे हो? एक बार फिर से क्लियर कर दो, फिर मैं बता दूं। आई वुड सर लाइक टू बुद्ध बी देयर, का फर्स्ट पॉइंट नहीं आया। अच्छा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ये खत्म कर लें, फिर फर्स्ट पॉइंट पे चले। तो कह रहा है आई वुड लाइक टू बी देयर, तो इसका मतलब है मेरी इच्छा है मैं वहां होना चाहता हूँ। देयर का मतलब क्या होता है? वहां, समझ रहे ना बात को? तो आई वुड लाइक टू, कुछ बातें तो आप जब एक्सरसाइज लगाओगे ना तब आपको क्लियर होंगे कि यही। अगला देखो ध्यान से, वुड रादर। वुड रादर जो है वो दो चीजों की तुलना या प्रेफरेंस के काम आता है। जब आप दो चीजों की तुलना करते हैं या एक चीज को दूसरे पर ज्यादा तरजीह देते हैं, ठीक है ना? एक चीज के मुकाबले किसी दूसरी चीज को ज्यादा पसंद करते हैं तो उसके लिए वुड रादर यूज करते हैं। जैसे देखो कह रहा है आई वुड रादर डाई देन लिव दिस ऑनेस्टली, वो कह रहा है मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन बेईमानी से नहीं जीऊंगा। सेंटेंस का मीनिंग समझो, क्योंकि यही सेंटेंस जब आएगा पेपर में तो आप समझ नहीं पाओगे कहना क्या चाहता है। आई वुड रादर डाई, मैं मरना पसंद करूंगा किसके बजाय? देन लिव दिस ऑनेस्टली, मतलब बेईमानी से जीने की अपेक्षा मैं मरना पसंद करूंगा। जैसे वी वुड रादर गो ऑन संडे, हम मैं संडे को जाना पसंद करूंगा। हो सकता है इससे कोई किसी और दिन जाने को कह रहा हो, लेकिन यह क्या कह रहा है? वी वुड रादर गो ऑन संडे, हम संडे को जाना पसंद करें। तो ये इनकी पसंद है, इनकी लाइक है, तो वुड रादर का इस्तेमाल ही होता है। ये सारे मॉडल में नहीं पढ़ाए जाते हैं, याद रखना, सारे मॉडल में नहीं पढ़ाए जाते। मैंने तो इसलिए यहाँ इकट्ठे किए हैं ताकि आप पूरी बात को समझ सको कि क्या कहना चाहते हैं। इसके अलावा समझना, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट के ऐसे एक्शन को दिखाता है जो हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। पास्ट का कोई एक्शन जो हो सकता था पर हुआ नहीं, जैसे यू वुड हैव कम टू मी का मतलब क्या है? ये पास्ट की बात बताता है, याद रखना हमेशा। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट बताता है। कह रहा है यू वुड हैव कम टू मी, तुम मेरे पास आ सकते थे लेकिन आया नहीं, ये बात इसमें लिखी नहीं है लेकिन इसके मीनिंग से क्लियर है कि ये आया नहीं, आ सकता था लेकिन आया नहीं। छह वाले में क्या दिक्कत है भाई? वुड दैट का मतलब होता है काश, और कुछ इसमें बताने को है ही नहीं। मैंने बताया वुड दैट का मतलब होता है काश, कहीं पे भी वुड दैट लिखा हो, जैसे आप कहते हैं कि काश मैं अमीर होता, काश मैं सचिन तेंदुलकर होता, काश मैं नरेंद्र मोदी होता, तो वो वाला काश, इस वुड दैट का पूरा मतलब निकलता है काश। तो आकाश, आप समझ रहे हो इसका मतलब? इसका मतलब है काश, आपके नाम में से ए हटा दो बस वही मतलब है इसका। फर्स्ट वाला पॉइंट देखो, वुड जो है वो विल का पास्ट इक्विवेलेंट होता है। कभी आपको विल को पास्ट में बदलना हो
तो वो वुड बनता है। जैसे आप लोग जब नरेशन पढ़ते हैं ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं सुष्मिता, तो उसमें कई बार आपको विल को बदलना पड़ता है पास्ट में। तो आप विल को किस में बदलते हैं? वुड में। जैसे सेंटेंस देखो, अगर मैं लिखता ही सेड आई या ही विल गो, उसने कहा कि वो जाएगा। अब ये क्या है? डायरेक्ट सेंटेंस। अगर ऐसे इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा? ही सेड दैट ही, अब विल को आपको बदलना है क्योंकि ये सेड पास्ट है, तो इसको आपको पास्ट में बदलना है, ही वुड गो। हाँ, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा हो तो इसे कैसे पास्ट में बदलना है, क्यों बदलना है, तो वो हमारा अभी कंसर्न नहीं है, वो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हिस्सा है। तो जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव के बाद में, तब वो बात समझ में आएगी। अभी तो आप सिर्फ ये समझ लें कि अगर विल को पास्ट में बदलना होता है तो वो वुड में बदल जाता है। बताएं सुष्मिता, समझ आई ये बात? तो वर्ड के कितने यूज हैं, कौन कौन से यूज हैं, ये पूरी की पूरी शीट में अभी आपको थोड़ी देर में ग्रुप में डाल दूंगा और वेबसाइट पे भी दे दूंगा। आप इस पूरी शीट को लेके एक बार फिर से देख लेना कि कहाँ पर क्या है। टाइम खत्म हो गया भाई, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको वो शीट कराऊंगा जो कल शाम मैंने आपको भेजी थी, ठीक है ना? आप डेली ऐसे करके शीट भेजा करूंगा मैं आपको, डेली के डेली शीट हम लोग खत्म किया करें, ठीक है? अभी आया मैं, 2 मिनट।